Hey guys, welcome to my new vlog. You guys are watching Riti Vlogs. और आज का मेरा वीडियो है होम टूर पे, यानी कि मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो गाइस, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊंगी और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हो चुका है और मैं अब आपको अपना घर पूरा बाहर से दिखाते हुए अंदर लेके आऊंगी। तो चलिए। तो गाइस, ये रहा मेरा घर और ये रहा मेरा लप्पू सा भाई, आपको दिख रहा होगा शायद। आइए मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। तो ये है मेरे घर का, क्या कह सकते हो आप इसको। यहाँ हमारी गाड़ी भी खड़ी होती है, अभी कुछ दिनों से बहुत मैसी हो चुका है ये सब कचड़ों वचड़ों की वजह से। बाकी यहाँ पे बहुत सारी जगह खाली होती है, यहाँ पे जो हाथ पैर मुझे बाहर के लोग आते हैं उनके धोने के लिए। अच्छा। और ये हमारा बड़ा सा ये हॉल टाइप में यहाँ हमारी कार खड़ी हो जाती है और यहाँ इसके अंदर हम आज से बहुत टाइम पहले रहते थे। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो रूम, एक किचन और एक भगवान रूम ही था। ठीक है, समझ गया। और फिर उसके बाद जब हमारा घर ऊपर बना तो हमने यहाँ पे रेंट पे दिया। अभी यहाँ पे रेंट पे कोई भी नहीं था तो हमने सोचा इसको वापस से तुड़वा के बनाते हैं। तो अभी इसमें नए दो कमरे बने हुए हैं और एक किचन भी है। तो इधर साइड में पापा का ऑफिस भी है, मैं आपको रूम ऑफिस सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो उससे मेरा क्या फायदा। आइए। तो ये रहा, अब मैं आपको अंदर ले करके चलती हूँ। ये बहुत ज़्यादा मैसी है क्योंकि आज से कुछ दिन पहले हमारे घर में रामायण हुई थी, तो उसका पूरा खाने पीने का सामान, तेल, राशन वाशन जो भी था वो सब यहीं पापा के ऑफिस में रखा हुआ था। तो पापा का ऑफिस कबाड़ा हो चुका है और अब ये ऑफिस पापा का है भी नहीं क्योंकि अब पापा ने अपना ऑफिस वहीं ट्रांसफ़र करवा लिया जहाँ पे उनकी फैक्ट्री है। पहले वो घर से ही सारे काम को देखते थे लेकिन अब वो फैक्ट्री से ही देखते हैं क्योंकि वहीं पर उन्होंने अपना ऑफिस बनवा लिया। तो ये अब कबाड़ हो चुका है, कुछ दिनों में हम लोग इसको भी वापस से मतलब वो करेंगे, देखेंगे कि इसको कैसे कैसे डेकोरेट करना है अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ, अब मैं चलूँगी अंदर आपको दिखाने के लिए कि अंदर पे क्या क्या है। आइए चलिए। ज़्यादा कुछ है नहीं वैसे, बट फिर भी ये रहा हमारा बड़ा सा हॉल है। यहाँ जो मेहमान आए थे अभी हमारे घर में दो मतलब एक हफ्ते पहले, रामायण था 29 और 30 तारीख को रामायण बैठी थी 24 घंटे की। तो यहाँ पे सारी मेरी फैमिली, यहीं पर फैमिली कह सकते हो, परिवार कह सकते हो, यहीं पे रुके हुए थे। बुआ, मौसी, दीदी सब यहीं पे थे। और एक रूम अंदर भी है, इसको अभी डेकोर करना बचा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से क्योंकि ये अभी पूरा खाली है। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। ये हमारा पुराना ड्रेसिंग है जो हम बहुत पहले यूज़ करते थे, आज से बहुत टाइम पहले यूज़ करते थे इस ड्रेसिंग को हम लोग जब नीचे रहते थे। याद है भाई, याद। पुराना है बट प्यारा है, ओल्ड इज़ गोल्ड है। तो ये है अंदर वाला कमरा, छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है बट ओके है। और मैं सोच रही हूँ कि अब मुझे मेरी व्लॉगिंग में लगेगी ज़रूरत एक कमरे की, तो मैं इसको अच्छे से डेकोरेट करके यहाँ पे मैं अपनी वीडियोज़ बनाऊँगी और खूब ढेर सारे वीडियोस पोस्ट भी करूंगी। तो गाइज, ये गेट तब का है जब हम लोग यहाँ पूरे घर में रहते थे। इसमें पूरे में सिर्फ चार कमरे थे जिसमें से एक किचन था, एक भगवान रूम था, एक हॉल था और एक मम्मी पापा का कमरा, और उसी में हम तीनों भाई बहन भी सोते थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे ऊपर ले चल के। जब हम लोग नीचे रहते थे तो यहाँ पे ये जो एरिया है मतलब इधर वाला, ऐसे बीच से वो जो बाउंड्री दिख रही है ना आपको, ये वाली, हाँ ये वाली बाउंड्री, इस बाउंड्री से ऐसे करके इधर पूरी मिट्टी थी और पेड़ था जाम का और बहुत सारे फूल के भी पेड़ लगे रहते थे यहाँ पे, बहुत हरियाली छाई हुई थी। अगर मुझे कोई वीडियो फोटो मिलेगा तो मैं ऊपर पर लगा दूंगी, और ना मिला तो कोई बात नहीं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर। ये रहे मेरी मम्मी सो रही है और ये रहे मेरे पापा और ये रही मेरी बहन। मुझे भी आता था एग्जाम के टाइम। ये रहा मेरा भाई और ये घर में चल रही है ये मेरी फैमिली। ये है मेरा पूरा हॉल ऊपर वाला
और अब मैं आपको लेके चलूंगी अंदर। ये है मेरा कमरा, थोड़ा सा गंदा भी है, ठीक है, ओके, ठीक है, सही है, गंदा नहीं है, हश। हाँ, तो ये रहा मेरा कमरा, इसमें दो टेडी थे जो मैं हमेशा निकाल के अपने वहाँ पे बिस्तर पे रख लेती हूँ। और ये रहा मेरा ड्रेसिंग टेबल जहाँ मैं सेल्फी खींच खींच के सब जगह डालते रहती हूँ। और ये रही मेरी बहन जिसको बड़ा शौक है व्लॉग में आने का, हर वक्त हर टाइम जब देखो तब इनको हमेशा घुसना होता है। ये रहे हमारे भगवान, इनकी मंदिर, इनका घर, और इधर भी। और ये मम्मी के नीचे वाली अलमारी है क्योंकि उनको ये अलमारी बहुत ही ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए हम लोग ये अलमारी ऊपर भी रख दिए हैं। नीचे थी बट कुछ टाइम बाद हम इसको ऊपर ला के रख दिए क्योंकि मम्मी को ये अलमारी शुरू से बहुत पसंद है। और ये है किचन, बाप रे, ये कुछ ज़्यादा ही मैसी है, आई थिंक मुझे नहीं दिखाना चाहिए, तो आपने ऐसे ही देख लिया होगा, बाय। तो आइए गाइज आपको दिखाती हूँ मेरे पेरेंट्स का कमरा। ये है मेरी मम्मी पापा का रूम और यहाँ का ड्रेसिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यहाँ भी बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह लेते रहती हूँ और मुझे ये जगह भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इन सबको मेरे से प्रॉब्लम है कि मैं इतना व्लॉगिंग क्यों कर रही हूँ, लेकिन इनको नहीं पता कि लोग माला माल हो जाते हैं। पैसा आए भला देखें तो एक बार कि मेहनत है अभी उसमें, बहुत मेहनत है, बहुत मेहनत है। चलो गाइस तो बाय बोल दो मौसी को, बाय बाय। अब चलते हैं दूसरे कमरे में। पापा ये मेरी फैमिली देखते हुए फुल इंटरेस्ट के साथ, बहुत मजा आ रहा है उनको ये पिक्चर देखने में। अभी दूसरी बार देख चुके हैं गाइस, एक बार पहले भी देख चुके हैं, अभी ये दूसरी बार देख रहे हैं। और ये है मेरे भाई का कमरा, ये देखो मेरे लिए छोटा सा बेड और उस पतर सुट्टे के लिए इतना पतला सा, इतना बड़ा, मतलब मेरा मतलब इतना डबल बेड, इतना बड़ा बेड। ये फिर घुस गई, किसका बेड है, तुम्हारा कब हुआ ये, झूठी गई की। और ये है उसका, चुप। और ये है उसका स्टडी टेबल, सब पागल समझ रहे होंगे तुमको। तो गाइज ये उसका स्टडी टेबल जो बहुत गंदा करके रखा है, बस इतना ही है उसके कमरे में और ज्यादा कुछ है नहीं। और ये मेरी मम्मी उठ चुकी है गाइस, बाप रे कैसे दिख रहे हो आप, अच्छा नहीं लग रहा, खाना लेके जा रही गाइस अपने लिए। तो ये सुनिए गाइस मेरी मौसी क्या बोल रही है सीमा हैदर के बारे में। किसको देख रहे हो, सीमा का देख रहे हो, उसके बारे में कोई दो शब्द है आपके पास। बहुत गलत काम किए है, गलत काम करी है, चार बच्चे लेके आ गई अपने आदमी को छोड़ के, बताओ लप्पू से सचिन के पास आ गई, वो आंटी का सुने हो लप्पू से सचिन है, वो आदमी बेचारा वो आपको बताओ भले के शर्म नहीं लागत तुम। मौसी सीरियस हो गई है गाइस, सचिन के कह देना ये वो को छोड़ के भाग गई, दूसरे के चले गई। हाँ बात तो सही है, जब एक को छोड़ दी तो फिर जब बारी भी आई छोड़ दी तो वो तो भाग के आ चालू करें, जब तीन दिन से परेशान ही है, बस यही का लेके मोबाइल लेके घूमत रहा थी, को का बोले को तो मैं डाल दो तुरंत। इतना ही बचा है, पढ़ाई लिखाई बंद करे सब यही करी। ये दोनों जा रही है घूमने बाजार, बोलेंगे अब मैं आपको लेके चलती हूँ ऊपर छत दिखाने। छत में तो कपड़े ही कपड़े दिखेंगे आपको क्योंकि एक लाइन से कपड़े होते हैं यहाँ पर। ये हमारा जिम का सामान जो मैं करती नहीं हूँ,
मम्मी की वॉशिंग मशीन, ये भी बहुत गंदा पड़ा हुआ है, ये पूरे कपड़े, ये हमारा छत है। अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी थी, कुछ दिन पहले क्या, कल परसों ही थी, परसों थी, तो उसके डेकोरेशन के लिए ये सामान हम लाए थे, मैंने पूरा निकाल दिया है, तो अब यहाँ पे ये पड़ा हुआ है। तो आइए चलिए आपको लेके चलती हूँ। और ये है पेड़ पौधों से घिरा हुआ आधे का भी आधा छत, इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे फूल भी खिलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी खिल नहीं रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि सुबह पापा तोड़ के ले जाते हैं तो क्या ही खिलेंगे। तो गाइज यहीं पे हम ब्लॉग को करते हैं एंड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा घर कैसा लगा। और हाँ बस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। ओके गाइज बाय।